महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आज त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। संगम सहित अन्य प्रमुख स्नान घाटों पर प्रातः काल से ही दूर दराज से आए स्नानार्थियों का पवित्र जल में पुण्य की डुबकी लगाने का सिलसिला जारी है। बता दें कि महाशिवरात्रि माघ मेले का अंतिम स्नान है और इसके बाद आज के बाद से माघ मेले का समापन हो जाएगा। महाशिवरात्रि का पर्व है और प्रातः काल से संगम तट पर और निशान घाटों पर स्नान प्रारंभ हो चुका है। लगातार श्रद्धालु आकर स्नान कर रहे हैं। इसके लिए एक सम्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है और जल में सुरक्षा के लिए हम लोगों ने व्यापक बंदोबस्त किए हैं, जिसमें कि जाल का व्यवस्थापन है, रिवर लाइन्स का व्यवस्थापन है, डीप वाटर बैरिकेटिंग की गई है और रिवर लाइन के साथ साथ जल पुलिस के लोग प्रशिक्षित गोताखोरों की नियुक्ति की गई है। जल में SDRF की टीम और NDRF की टीम मौजूद है। एक फ्लोटिंग पुलिस चौकी की स्थापना की गई है। एक रिवर एम्बुलेंस की व्यवस्था हम लोगों ने सुनिश्चित की है। इसके साथ ही साथ पार्किंग की नई व्यवस्था हम लोगों ने अपर संगम मार्ग पे की है, जिससे श्रद्धालुओं को कम से कम पैदल चलना पड़ेगा और संगम से लगभग 100 से 150 मीटर दूरी पर ये पार्किंग की व्यवस्था है, जहाँ पर लोग अपना दोपहिया और चार पहिया वाहनों को खड़ा करके स्नान कर सकते हैं। मेला क्षेत्र में जो शिवालय है, नागवासुकी जी का मंदिर है, मनकामेश्वर मंदिर है, नागेश्वरनाथ जी का मंदिर है, यहाँ पर भी सम्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं पुलिस का व्यवस्थापन किया गया है। महिला पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है। महिलाओं के और पुरुषों के आने और जाने के मार्ग भी पृथक-पृथक निर्धारित किए गए हैं। जो हमारा इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर है वो लगातार पूरे मेले के अवधि में सक्रिय रहा है, आज भी सक्रिय है और CCTV कैमरे पूर्व से सक्रिय हैं। उनके माध्यम से हम लोग फीड ले रहे हैं। खोया पाया केंद्र की स्थापना संगम टावर पर की गई है। इस प्रकार सारी सम्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। ATS के कमांडोज मौजूद हैं, RF की टीम भी मौजूद है और उत्तर प्रदेश पुलिस की विभिन्न निकायियां भी अपना अपना योगदान दे रही हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार आज ही जीवन उत्पत्ति के लिए भगवान शिव ने लिंग रूप में अवतार लिया था और लोगों को बताया था कि जीवन उत्पत्ति किस तरह से होती है। साथ ही आज ही के दिन भगवान शिव का विवाह भी माता पार्वती के साथ हुआ था। देखिए, हम लोग अक्सर साइन आर्ट से हर एक ओकेजन पे अवेयर करते रहते हैं अपने कला के माध्यम से, पर आज शिवरात्रि का पर्व है और मेला का समापन भी होने वाला है और उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये शिवलिंग बनाया है, जो कि ये कंदरिया महादेव मंदिर विश्व धरोहर हमारे जो खजुराहो में स्थित है उससे ये रिलेटेड है। जिस प्रकार वो शिवलिंग है, हम लोगों ने 1151 बिस्किट से ये शिवलिंग का निर्माण किया है और हमारे अब संगम नोज पर इसको स्थापित किया है। ये जो है शोभा भी बढ़ा रही है और हम लोग एक शिवरात्रि के में हम लोग इसको क्रिएट कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। दर्शन